हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की इस क्लास में जो है आप सीखेंगे कि हिंदी में संक्षेपण कैसे करते हैं, और ये जो है आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव यानी कि हिंदी के एग्जाम के सब्जेक्टिव में जो है लास्ट क्वेश्चन होता है और 4 नंबर के क्वेश्चन होता है। अब बड़ी आसान है जी, बस आप एक बार जो है इस वीडियो को देख लिए और संक्षेपण करना नहीं सीखें तो समझिए आप में गलती नहीं है, हमारे में गलती है, ठीक है, कि हम आपको बढ़िया से सिखा नहीं पाए। तो कोशिश करेंगे कि आज के बाद जो है संक्षेपण आपको जो है किसी दूसरे से नहीं सीखना पड़े, और संक्षेपण के ट्रिक जो है आज साथ में हम आपको बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को बेहतर बनाते हैं और आपके जो है एग्जाम में 4 नंबर हिंदी में फिक्स करते हैं, ठीक है। आइए आइए, तो सबसे पहले संक्षेपण को जो है हमने के बनाएंगे कैसे। तो देखिए, संक्षेपण के क्वेश्चन जो है अगर आपके एग्जाम में आए तो संक्षेपण के क्वेश्चन जो है का लिखता है देख लीजिए तनी। निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए, आ एक गो बनाइएगा आपको 4 नंबर मिलेगा। देखिए, 2 गो क्वेश्चन दिले है आ कह रहा है कि दोनों में से कोनो एक गो के जो है आपको बनावेला है आ 4 नंबर हमारा विषय ले जाइए। अब आपको बनावे आएगा तबे तो बनाएंगे, तब बनाना आप सीखिए कैसे। तो आइए, संक्षेपण करने के लिए जो है हम मान के चलिए पहला बनाते हैं। 2 गो क्वेश्चन है, हम एगो आपको सिखाएंगे, एगो आप जो है बनाएंगे, कॉपी में नहीं सीख जाएंगे तो लगले जो है कमेंट बॉक्स में बना के हमें जो है कमेंट करेंगे सर, ठीक है। तो पहले सीख लीजिए। देखिए, संक्षेपण बनाने के लिए ये जो पूरा कहानी दिया गया है इसको आप एक बार गिन लीजिए कि इसमें जो है शब्द कितने हैं। शब्द समझते हैं ना क्या होता है, शब्द जो है हम आपको पढ़ा चुके हैं ग्रामर के एगो पार्ट से कि वर्णों या अक्षरों के मेल से जो है शब्द का निर्माण होता है, आ शब्द से जो है वाक्य का निर्माण होता है। तो हमने के शब्द गिनेला है, ठीक है। अब शब्द में जो है भी गिनाता है, की भी गिनाता है, सब गिनाता है, टोटल के टोटल आपको शब्द गिनने हैं। तो टोटल आप एक बार गिनिए, हम तो गिन चुके हैं, आ जब हम गिने हैं तो हमारी टोटल जो है जानते हैं कितना आया है, 117 गो आया है, ठीक है। अब जब टोटल हम आप गिन लेते हैं तो टोटल को जो है 3 से हमनी के डिवाइड करते हैं, मतलब भागा देते हैं, इतना तो आता होगा। बताइए 117 के 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 3 3 की 9 आ 2 एजा बचा 27 यानी कि 9 3 27 39 आएगा, बस एकर बराबर में हमने के 39 लिखेंगे। ये जो है अभी आपको कॉपी पे नहीं लिखना है, ये अपन मन में लिखेला है, हम बताएंगे कि इसको अभी कहाँ लिखना है। अभी सबसे पहला काम का करेला है, इसको बिना पढ़ले गिनना है कि इसमें के गो शब्द है। गिने शब्द 117 आया, मने में रखेला है, 3 से डिवाइड दे देंगे, मने में आया 39। इसको अभी मन में हम बोर्ड पे लिख दिए हैं तो उन्हीं के दिखावेला, ठीक है, मन में लिख दिए। अब जो है इसको लिखने के बाद सबसे पहले जो है इसका शीर्षक देना होता है। अब कहेंगे सर शीर्षक कैसे देंगे, तो देखिए इसमें वो शब्द का चुनाव कीजिए जो शब्द इसमें बार बार रिपीट हुआ है, रिपीट मतलब दोहराया गया है। कौन सा ऐसा शब्द है जो इसमें बार बार आया है, वह जो है शीर्षक होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें एक बार पढ़िए आप तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन शब्द जो है बार बार आया है। तो हम इसको जब पढ़े हैं तो इसमें बोलना, देखिए बोलना, यहाँ पर भी बोलना, यहाँ पर भी बोलना, और बोलना जो है बहुत बार इसमें आया है, और बोलना वाणी भी जो है, वाणी इसमें भी बहुत बार आया है। देखिए वाणी, वाणी यहाँ पर है, ठीक है, वाणी भी यहाँ पर, फिर जो है बोलना, बोलना आया है कि नहीं। तो ये जो है बार बार आया है, मतलब कि इस पूरे जो है टॉपिक का जो है शीर्षक होगा काची, तब बोलना। अब बोलना है जब ये आप पढ़ेंगे तो इसमें सिखाया जा रहा है कि बोलना हमनी के कैसे है, तो शीर्षक का हो गया बोलने की कला। अब इसको कॉपी में हमनी के लिखेंगे कैसे, काहे कि 4 नंबर लेवेला है, आ 4 नंबर ला तनी बढ़िया से लिखेंगे तब तो। आइए लिखेंगे कैसे, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप जो है अपन कॉपी में प्रश्न संख्या देंगे,
प्रश्न संख्या कितना है तो 6 नंबर है। आ इस लाइन को हम छोड़ देंगे, कोनो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बातें समझ गए? बिल्कुल सही। अब हिंदी में लिख रहे हैं तो आंसर के जगह हमनी के क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे। आ उत्तर में जो है हमनी के लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले शीर्षक आया है, तो शीर्षक हमनी के हेडिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो जानते हैं कि कॉपी के बीच में लिखल जाता है तो शीर्षक। आ शीर्षक का ची आया है सर, तो उसमें आप पढ़े हैं तो बार बार जो है बोलना आया था, और उसमें बोलने के बारे में बताया जा रहा था कि किससे कैसे बोलना है। तो हम जो है यहाँ पे लिखेंगे शीर्षक बोलने की कला, ठीक है, बोलने की कला। अब ई जो है हो गया भाई शीर्षक, इसको हमने के अंडरलाइन कर देंगे। इतना लिख दिए तो 2 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है आपको जो है शीर्षक ही खाली नहीं लिखेला है, आप जो है तनी याद कीजिए, ये 117 के 3 से भागा दिए हैं तो 39 आया है। ये पूरा के जो है 39 गो शब्द में शॉर्ट करके लिखेला है। संक्षेपण का मतलब ही होता है एक बड़ी सी कहानी को जो है शॉर्ट में लिखना। तो अब तो आप समझ गए हैं संक्षेपण, तो ये 117 गो के अब 39 में लिखेला है। अब कहेंगे सर ये कैसे लिखाएगा? अरे किससे पढ़ रहे हैं ये पहले देख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जो शब्द जिस वाक्य में बार बार आया है उस पूरे वाक्य को हमने के उतार देंगे। देखिए बोलना शीर्षक था, अब बोलना जो है ये पूरे वाक्य में जो है फुल स्टॉप जहां है इसमें आया है, तो इसको जो है हमने के उतारेंगे। फिर देखिए कहां से कहां तक आया है। अब देखिए यहां वाणी भी तो बोलना ही है ना, बोलना का पर्यायवाची शब्द। ई जो है कहां से कहां तक आया है, फुल स्टॉप देखिए कहां से कहां तक आया है। तो ई जो है अरे 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 कहां से कहां तक आया, तो ई जो है भाई हमारा देखे से पूरा यहां तक आया है, बस उतार दीजिए। अब आप कहेंगे सर ये तो 39 गो से ज्यादा हो गई हो, कैसे उतार दें? देखिए लगभग में 39, 5 गो ऊपर भी जा सकता है यानी कि 45 तक आप जा सकते हैं, 5 गो नीचे भी जा सकते हैं, कोनो गलती नहीं होगा। बात समझ गए? यानी आगे पीछे 5 गो आगे 5 गो पीछे जो है हो सकता है। तो अब जो है ये पूरा को उतार दीजिए आप। यहाँ बोलने का विवेक, बोलने की कला और पटुता व्यक्ति की शोभा है, उसका आकर्षण है। ये कहाँ उतारेंगे? तो यहाँ से उतारेंगे बोलने की कला, ठीक है, बोलने की कला। यहाँ से जो है आप उतारना शुरू करेंगे। हम अगर उतारेंगे ना तो ये जो है पूरा जो है क्लास जो है 10 मिनट के क्लास 2 घंटा के हो जाएगा। ये कहाँ तक उतारेंगे? तो जहाँ तक फुल स्टॉप था। कहाँ तक फुल स्टॉप था? तो देखिए यहाँ तक था, यहाँ तक उतार दिए। उसके बाद जो है आप यहाँ से उतारेंगे वाणी का। वाणी जो है अब वाणी से उतारिए, जहाँ ही खत्म होगा वहाँ से वाणी उतार दीजिए, ठीक है। और वाणी जहाँ पे फुल स्टॉप हो रहा है वहाँ तक आपको जो है उतारना है। आप फिर उतार देंगे आप, और गिन लेंगे कि 40 को कम से कम आया है कि नहीं आया है, फुल स्टॉप दे दिए, हो गया। अब जो है हमने के का करेला है, अब याद कीजिए आप शब्द कितना गिने थे, तो संक्षेपण ऐसा लिखेंगे संक्षेपण, ठीक है। आ संक्षेपण के बराबर में लिखेंगे, संक्षेपण के बराबर में क्या लिखेंगे, तो कुल शब्द, कुल शब्द आप नीचे जो है भागा में देंगे 3। कितना आया है? तो आप जो है देंगे 117 बटा में 3 यानी कि 39, ठीक है। यानी संक्षेपण बराबर जो है कितना आया, 39 आया। आ जब इतना आप लिख देंगे कौनो ऐसा जो है विद्वान नहीं होगा कि आपका जो है संक्षेपण में 4 में से जो है 1 पॉइंट नंबर भी काट ले, ठीक है। तो संक्षेपण ऐसे करल जाता है। अब देखिए जब आप इस संक्षेपण को सीख गए हैं तो अब आप कहेंगे कि सर प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए जो है हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आप हमें कहाँ भेजेंगे, कमेंट बॉक्स में ही भेजेंगे।
कमेंट बॉक्स में इसका संक्षेपण करके जो है आप हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। आ जेकर बढ़िया होगा उसको जो है लाइक दिया जाएगा, ठीक है। अब जो है ये बात खत्म होती है। अब देखिए कुछ और बातें हैं जो आपको मजा भी आएगा। बात कौन सा है, देखिए हिंदी आप कहेंगे कि सर हिंदी में हमको 100 में 100 लावेला है, तो भाई हिंदी में 100 में 100 लाना जो है हमारा लगता है कि बउआ के खेला है। अब कहेंगे बउआ के खेला है लेकिन मेहनत करे पड़ता है, आ मेहनत अगर हमने के स्मार्ट तरीका से करल जाए तो 100 में 100 आज आ सकता है। जैसे हम आपको जो है क्रैश कोर्स दिए हैं, सिंपल सी बातें हैं, क्रैश कोर्स हिंदी इंग्लिश का हम आपको दे रखे हैं सर। आ इस क्रैश कोर्स में जो है का है, तो क्रैश कोर्स में जो है हम आपको इम्पॉर्टेंट निबंध बता चुके हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट 10-15 को हम आपको बताए हैं। सौ प्रसंग व्याख्या कैसे करना है ये हम आपको जो है बता चुके हैं, ठीक है। सौ प्रसंग व्याख्या से लगभग 30 को क्वेश्चन हम आपको दिए हैं। आवेदन पत्र कैसे लिखना है ये हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद जो है लघु उत्तरीय प्रश्न जो है बुक से जो पूछे जाते हैं वो हम आपको लगभग जो है 100 दिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी जो है बहुत जल्दी आपके एप्लीकेशन में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और जो है लास्ट प्रश्न था संक्षेपण, तो आज आप संक्षेपण करना भी सीख गए। तो अगर आप हिंदी में चाहते हैं कि सब्जेक्टिव में 50 में 50 आवे, ऑब्जेक्टिव के लिए लगभग 800 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, तो ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आवे तो आपको जो है या तो हिंदी के कोर्स आप खरीद लीजिए जो 199 रुपये का है, या तो क्रैश कोर्स आप खरीदिए जो 299 में हिंदी इंग्लिश जो है दोनों है। अब आप कहेंगे खरीदेंगे कहाँ से, तो आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है SGS क्लासेस, और इसी पे जो है आपको मिलेगा। हमर जो है आपसे वादा है कि जब इस क्रैश कोर्स में आएंगे या चाहे कोर्स में आएंगे आपको रिकॉर्डेड वीडियो PDF नोट्स आपके जो है इसी कोर्स में जो है मिल जाएंगे, और जितना दिया गया है उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप हिंदी में जो है मास्टर बन के निकलेंगे। बाकी आप समझदार हैं, आपको अपने जीवन में क्या करना है हमको बस बताना था, वो हम आपको बता चुके हैं। वीडियो आप देखे हैं अच्छा लगा है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।